इवन हाई कोर्ट की तरफ से भी इजाज़त हो तो फिर भी हमें मीटिंग नहीं दी जा रही। और अगर मीटिंग का अरेंज कर देते वो भी प्राइवेट घर में, तो हमारी कुर्सियां उठाई जा रही हैं, जिस तरह आप लोगों ने देखा है मानसहरा में हुआ है। हम इलेक्शन कमीशन के सामने ये भी लेके आए कि हमारे एक्टिविस्ट की लिस्टें बनाई जा रही है और उनको हरास किया जा रहा है, फोर्स डिसअपेयरेंस भी है, पीटीआई के फ्लैग्स और प्रिंटिंग मटेरियल की इजाज़त नहीं है, जहां जाते हैं वो रिफ्यूज़ कर देते हैं, उन लोगों को हरास किया जाता है जो इवन पीटीआई के फ्लैग्स प्रिंट करते हैं। हमने उनको ये भी नोटिस लेके आया कि आप इलेक्शन की डेट अनाउंस कर चुके हैं, लिहाजा आपके पास इख्तियारात थे इलेक्शन डेट अनाउंस होने के बाद, और आपको पास इख्तियारात थे पॉलिटिकल पार्टीज़ के मैनेजमेंट के हिसाब से, लिहाजा इलेक्शन कमीशन से हमने मुतालबा किया है कि आप एक नोटिफिकेशन इशू कर ले सारे मुल्क के पुलिस और बाकी इदारों को डायरेक्ट करे कि हमारे लॉफुल एक्टिविटीज़ में अगर हम परमिशन ले तो उसको रिस्ट्रेन न करें और हमें कानून और आईन के मुताबिक फ्री फेयर इलेक्शन में फेयर पार्टिसिपेशन की इजाज़त दी जाए। इलेक्शन कमीशन को हमने ये भी नोटिस में लेके आया है कि इलीगली केयर टेकर गवर्नमेंट 29 बिलियन रुपीज़ रिलीज़ कर रही है। ये केयर टेकर गवर्नमेंट का मैंडेट नहीं है, और जब खासकर इलेक्शन डेट भी अनाउंस हुआ हो, किसी भी डेवलपमेंट के लिए इतना फंड इशू करना फ्री रिगिंग ऑफ द इलेक्शन में आएगा, लिहाजा इसको रिस्ट्रेन किया जाए। पहले भी फेडरल गवर्नमेंट ने 51 बिलियन रुपीज़ इशू किए थे, वो भी हम इलेक्शन कमीशन के नोटिस में लेके आए हैं। इसके साथ साथ हम इलेक्शन कमीशन के सामने ये भी नोटिस में लेके आए कि जो इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कोस कंपनीज है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो चेयरमैन हैं वो इस वक्त PMLN के कैंडिडेट हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, और वो हर जगह पोल दे रहे हैं, बिजली के पोल दे रहे हैं, तारे दे रहे हैं, एनर्जाइज करा रहे हैं। हम इलेक्शन के नोटिस में ये भी लाना चाह रहे हैं कि आप लोगों ने वीडियो भी देखा है जो पॉलिटिकल लीडर के साथ PML के सेक्रेटरी एनर्जी लंगड़ियाल साहब मुलाकात कर रहे हैं, और वो डेली बेसिस पे जहाँ जहाँ भी हो सकता है तो सारे इलेक्ट्रिक चीज़ें वो पोल्स इशू करवा रहे हैं। ये भी हम इलेक्शन कमीशन के नोटिस में लेके आए कि ये फ्री रीडिंग में, लिहाजा आप इसके खिलाफ इकदाम करें। सबसे बड़ी बात जो हम इलेक्शन कमीशन के सामने लेके आए हैं वो ये कि हमारा सिंबल का जो केस था वो 30 तारीख को ओरली अनाउंस हुआ था, फिर वो डिटेल ऑर्डर के लिए पेंडिंग था, उसके बाद हमने 18 अक्टूबर को भी एक रिक्वेस्ट कर ली, उसके बाद 30 अक्टूबर को भी रिक्वेस्ट कर दी, वो ऑर्डर इमीडिएटली रिलीज़ होना चाहिए ताकि ये शकूक शुभात भी ख़त्म हो जाए और हम भी आगे बढ़े कि बैट हमारा निशान है और ये बैलेट पेपर पे इंशाल्लाह रहेगा। निशान के सिलसिले में हम बहुत मशकूर हैं इलेक्शन कमीशन के कि आज उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि डिटेल ऑर्डर आएगा लेकिन बैट आपका निशान है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फरमाया कि इलेक्शन का डेट देने से पहले यहाँ बड़े सारे मीडिया के लोग थे तो उन्होंने खुद इसका इजहार किया था मीडिया के सामने। हमें उम्मीद है बैट का मसला उनके कहने के मुताबिक इंशाल्लाह दो दिन में रिजाल हो जाएगा, और ये गुजारिशात हम इलेक्शन कमीशन के सामने लेके आए हैं। इलेक्शन कमीशन ने हमें बावर कराया कि इसके मद में इंशाल्लाह अप्रोप्रिएट ऑर्डर इशू होगा और प्रॉपर डायरेक्शन इंशाल्लाह ताला दी जाएगी एक या दो दिनों में इंशाल्लाह ताला। चेयरमैन पीटीआई के माइनस करने के बारे में बात नहीं? देखो, चेयरमैन माइनस करने का किसी की मजाल नहीं है, कोई चेयरमैन माइनस नहीं होगा। इमरान खान साहब पीटीआई के चेयरमैन थे, पीटीआई के चेयरमैन हैं, इंशाल्लाह पीटीआई के चेयरमैन रहेंगे, और वो चाहे जेल में है जो हम कहते हैं कि नाकर्द जुर्म में सजा के तौर पर विक्टिमाइजेशन के तौर पर जेल में रखा गया है, चाहे वो जेल में है चाहे वो बाहर है, वही लीडर है और वही चेयरमैन इंशाल्लाह वही लीड करेंगे। मैनेजर साहब ये बताइएगा कि चेयरमैन साहब जो हैं वो मौजूदा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और इन पर अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं और काफी ज्यादा इनके हवाले से बोलते भी रहे हैं, अभी भी आपको उम्मीद है कि ये इलेक्शन कमीशन आपको लेवल प्लेइंग फील्ड देगा? इलेक्शन देखिए, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी आई नहीं, हमने आज उनको
आईनी जिम्मेदारी याद करवाई है और जो यकीन दहानी हमारी कराई गई है, हम आगे देखते हैं कि क्या होगा। हमें ये यकीन दहानी ज़रूर कराई गई है कि इंशाल्लाह इलेक्शन कमीशन हर वो इकदाम करेगा, हर वो स्टेप उठाएगा जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए ज़रूरी होगा। मीटिंग माहौल बहुत अच्छे माहौल में हुआ है, सारे मेंबरान साहिबान ने शिरकत की जो हम मशहूर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने उनको हेड किया है, पीटीआई की तरफ से मैं और बाब रवान साहब मौजूद थे और उनके साथ सरहा से गुफ्तगु सारे इश्यूज भी हुई है जो हमने इस किस्म के डेलीगेशन और ये चार्टर ऑफ डिमांड का जिक्र हमने सारे पॉलिटिकल पार्टीज के सामने 11 अक्टूबर को किया था जब हम कोड ऑफ कंडक्ट वजह करने के लिए आए थे और उस वक्त चीफ इलेक्शन कमीशन ने ये फरमाया था कि अगर आपकी एप्लीकेशन आ जाए चार्टर ऑफ डिमांड के सिलसिले में और आपका डेलीगेशन अगर हमारे साथ मिलना चाहे तो हम आपको एकोमोडेट करेंगे। तो बड़े अच्छे माहौल में मीटिंग हुई है और यकीन दहानी कराई गई है, फ्यूचर में देखते हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है इलेक्शन कमीशन ये इकदाम करेगी लेकिन जितनी जल्दी जल्द से जल्द करे तो बेहतर है। अच्छा ये बताइएगा कि कितनी देर की मुलाकात थी और ये तमाम ताकत पाया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन आपके साथ, ये कहा जाता है कि भाई आपकी पार्टी की तरफ से, आपको लगा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई ऐसा अमल था? नहीं, अब देखिए आज की मीटिंग हमारी 45 मिनट्स रही है, सारे इश्यूज पे हमारी बात हुई है और हमें कोई ऐसा नहीं लगा कि इलेक्शन कमीशन ने कोई ऐसी हमें इग्नोर किया हो जिससे हमें ये तासुर मिले कि वो हमारे खिलाफ बायस है। ये मैंने जो जिक्र किया चार्टर ऑफ डिमांड पे हमने दिया है कि हमारे वर्कर सपोर्टर और जो कैंडिडेट्स हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए, हमें पार्टिसिपेशन की इजाज़त दी जाए, हमें इलीगली रिस्ट्रेन न किया जाए, अपने जिम्मेदारी याद करवाई है और जो यकीन दहानी हमारी कराई गई है, हम आगे देखते हैं कि क्या होगा। हमें ये यकीन दहानी ज़रूर कराई गई है कि इंशाल्लाह इलेक्शन कमीशन हर वो इकदाम करेगा, हर वो स्टेप उठाएगा जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए ज़रूरी होगा। मीटिंग माहौल बहुत अच्छे माहौल में हुआ है, सारे मेंबरान साहिबान ने शिरकत की जो हम मशहूर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने उनको हेड किया है, पीटीआई की तरफ से मैं और बाब रवान साहब मौजूद थे और उनके साथ सरहा से गुफ्तगु सारे इश्यूज भी हुई है जो हमने इस किस्म के डेलीगेशन और ये चार्टर ऑफ डिमांड का जिक्र हमने सारे पॉलिटिकल पार्टीज के सामने 11 अक्टूबर को किया था जब हम कोड ऑफ कंडक्ट वजह करने के लिए आए थे और उस वक्त चीफ इलेक्शन कमीशन ने ये फरमाया था कि अगर आपकी एप्लीकेशन आ जाए चार्टर ऑफ डिमांड के सिलसिले में और आपका डेलीगेशन अगर हमारे साथ मिलना चाहे तो हम आपको एकोमोडेट करेंगे। तो बड़े अच्छे माहौल में मीटिंग हुई है और यकीन दहानी कराई गई है, फ्यूचर में देखते हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है इलेक्शन कमीशन ये इकदाम करेगी लेकिन जितनी जल्दी जल्द से जल्द करे तो बेहतर है। अच्छा ये बताइएगा कि कितनी देर की ये मुलाकात थी और ये तमाम ताकत पाया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन आपके साथ, ये कहा जाता है कि भाई आपकी पार्टी की तरफ से, आपको लगा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई ऐसा अमल था? नहीं, अब देखिए आज की मीटिंग हमारी 45 मिनट्स रही है, सारे इश्यूज पे हमारी बात हुई है और हमें कोई ऐसा नहीं लगा कि इलेक्शन कमीशन ने कोई ऐसी हमें इग्नोर किया हो जिससे हमें ये तासुर मिले कि वो हमारे खिलाफ बायस है। ये मैंने जो जिक्र किया चार्टर ऑफ डिमांड पे हमने दिया है कि हमारे वर्कर सपोर्टर और जो कैंडिडेट्स हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए, हमें पार्टिसिपेशन की इजाज़त दी जाए, हमें इलीगली रिस्ट्रेन न किया जाए अपने हक एक्सरसाइज करने में, जब हम कानून के मुताबिक इजाज़त लेते हैं तो उसको अबोर्ट न किया जाए, उसको ख़त्म न किया जाए, उसमें जो है मुदाखलत न की जाए। देखिए इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है बहरहाल और इलेक्शन कमीशन पे डिपेंड करता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब और उनके मेंबरान साहबान बैठे हों, ये उन पे डिपेंड करता है। मैं उनको ये बात तो ज़रूर उनके जहन में लाऊंगा आपकी वसातत से कि इंडिया में 2 मेंबर्स है और एक उनका कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। अगर वो 3 मेंबरान साहिबान अपने 1.3 बिलियन लोगों के लिए अपने फेयर इलेक्शन करा सकता है तो बड़ी अफसोस की बात होगी कि अगर हम 25 करोड़ आवाम के लिए हमारे 5 मेंबरान साहिबान जो है ना फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना करा सके। मुझे उम्मीद वैसे है आज की मीटिंग से कि हो जाएगा इंशाल्लाह। वैसे तो आईनी तौर पर निगरान सेटअप जो है वो इलेक्शन कमीशन के मतहत होते हैं,
चीफ इलेक्शन कमिश्नर का वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जाकर मुलाकात करना कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो ये इस बात पे बिलीव करता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को सदर से भी मिलना चाहिए था जब उन्होंने बुलाया था, लेकिन बहरहाल केयर टेकर सेटअप में अगर वज़ीर आज़म भी है तो वो भी केयर टेकर सेटअप के लिए तो हेड है, अगर वो इंतज़ामी उमूर के लिए मिलना चाहते हैं तो उस पर कोई ऑब्जेक्शन मैं नहीं है, पार्टी की तरफ से अभी कोई ऐसा मौक़ भी नहीं आया, तो एज ए तर्जुमान मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकता। देखिए, उस पर मेरी पार्टी मौक़ देगी इंशाल्लाह ताला अगर दावतनामा दिया, अदरवाइज डायलाग तो होने चाहिए। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। कहीं